सारे कपड़े ठाकुर जी के हैं और अभी सावन चल रहा है, इसलिए कल मैं और मम्मी ठाकुर जी के मंदिर में जाके और ठाकुर जी को ये कपड़े पहना के आएंगे। ये राधा जी की है, ये राधा जी की ड्रेस है, ये लहंगा, ये चुनरी और ये ठाकुर जी की धोती और ये ऊपर की चोली और ये ठीक है, ये कंधे पे डालने का। तो कल हम लोग जाएंगे सुबह मंदिर। और ये है कान्हा जी की बांसुरी, माला और मुकुट और बाली, राधा जी की बाली, राधा जी की बालियाँ हैं इसमें और ये सब ड्रेसेस है। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है सुबह की 5 और आज मैं जल्दी उठी हूँ, काफ़ी दिनों बाद, सॉरी 5 नहीं 5:30 बज रहे हैं, बट काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी उठ ही गए हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसलिए ना मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। उसके बाद एज़ यूज़ुअल वही ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने सुबह उठते ही, और फिर मैंने बनाई चाय सबके लिए क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। तो चाय बनाने के बाद नहा धो के और फिर मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने करी मंदिर, तो मंदिर की पूजा करी और उसके बाद में मैंने थाल सजा लिया था ठाकुर जी के जाने के लिए, तो उसमें लिया घी का दीपक। तो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप सबने देखा अभी मैं सुबह के 5:30 बजे उठ गई थी और अभी हम लोग जा रहे ठाकुर जी के मंदिर में क्योंकि कपड़े पहना के आने हैं। तो आज मैं जल्दी नहा धो के फ्री हो गई। मैं रात को मम्मी को बोल के सोई थी कि मुझे सुबह जल्दी उठा दो, मम्मी ने मेरे को 5:30 बजे जगा दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और फिर मैं नहा धो के और अभी जा रही हूँ मंदिर, और उसके बाद आने के बाद देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत घर का काम करेंगे। तो मंदिर जाने के बाद मैंने पूजा की थाली साफ़ करी जो मंदिर में होती है और उसके अंदर मैंने सारा सामान रख दिया ताकि पंडित जी आए और भगवान जी को ड्रेस पहना के और उनकी पूजा करें। और ये है हमारे गांव का ठाकुर जी का मंदिर जहां पे हर जन्माष्टमी पे बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई जाती है। वापस घर आई हूँ क्योंकि ये पेठा घर पे रह गया था, फिर भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। कैसे मेरा
बाद हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद हम लोग खाना वाना खाए, वही डेली का रूटीन, और फिर हम लोग दोपहर में सो गए थे। शाम को उठे तो मम्मी ने बोला कि पंडित जी का जोड़ा जिमाना है और साथ में कन्या जिमानी है, सावन में बहुत गर्म होता है, तो इसलिए हमने मंगाई जलेबी, नमकीन और आलू की सब्जी और पूरी। तो मम्मी इधर खाना बना, ये हमारी सुंदर सी प्रीति जीजा जो काट रहे हैं मिर्ची। इनका काम एक ही है कि या तो प्याज काटना है, मिर्ची काटनी, आलू काटनी, जो भी काटना है इनको काटना है। चूंगे शिट, मेरी बिंदी फिर से हट गई। इतनी बिंदी लगाती हूँ, रोज 2-3 बिंदी लगाती हूँ तो भी हट जाती पसीनों की वजह से। जैसा कि आप सबने देखा, सुबह मैं ठाकुर जी के गई थी, जहाँ पे मैंने ठाकुर जी और राधा जी को पहनाई पोशाक जो कि कल मम्मी लेके आए थे। तो आज अभी हो रही है इवनिंग और शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी कन्या जी मानी है और 2 ब्राह्मण जी माने, तो अभी मम्मी और हम सब किचन में खाना वाना बना रहे हैं। तो अभी कन्या आएगी, और मतलब छोटे छोटे बच्चे आएंगे खाना खाने, तो उनको खाना खिलाना है, और पंडित जी भी आएंगे तो उनको भी खाना खिलाना है। खाओ बेटा खाना खाओ। हेलो क्यूटी, पूड़ी रखो भाई, पूड़ी रखो। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम, इसका नाम कनक है, इसका नाम। अरे तेरा बुजुर्ग बाबू, तेरा मेरा मैं इस, अरे इसका सुन, ओ क्या नाम है, क्या नाम है कनक, और तेरा? मेरा कैसे बोलते हैं, क्या नाम है? चमचा नहीं, टमचा भी बोलते हैं, मतीरा भी बोलते हैं। मतीरा, मतीरा इसका नाम। तो उसके बाद सारे बच्चों को खाना खिलाया, और खाना खिलाते खिलाते रात को 8-9 बज गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी मेरे को। बट फिर सावन में कुछ तो धर्म किया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप सबको? आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब।